नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यूज़ यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की लेटेस्ट न्यूज़ में केंद्र सरकार की ओर से सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। स्थायी कर्मचारी LTC का तोहफा दिया जाएगा। कर्मचारी और उसके परिवार को मिलेगा अब लाभ ही लाभ। सरकार ने LTC योजना से कर्मचारियों किसी भी हिस्से में घूमने जा सकते हैं। इस योजना के लिए एडवांस में क्या क्या सुविधा दी गई है सरकार ने और कितने फैमिली मेंबर्स को अपने साथ ले जाने की सुविधा दी गई है, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक। सरकारी कर्मचारियों को LTC का तोहफा, परिवार के सदस्य को अब मिलेगा लाभ। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को LTC का तोहफा दिया जाएगा। LTC के नए रूल 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी माने जाएंगे। इसमें जो स्थायी कर्मचारी और उसके परिवार को मिलेगा लाभ ही लाभ। LTC योजना का लाभ देश के किसी भी हिस्से में घूमने के लिए मिलेगा। इसके तहत लाभार्थी 2 साल में एक बार गृह जिला यानी कि होम टाउन व 4 वर्ष में एक बार देश के किसी भी हिस्से में घूमने जा सकेगा। इसमें बिल जो है TA को नॉन गेजेटेड कर्मचारियों का गेजेटेड अधिकारी और गेजेटेड अधिकारियों का उच्च प्रशासनिक अधिकारी देखेंगे। विभागीय अध्यक्ष और प्रशासनिक विभाग की मंजूरी के बाद नॉन गेजेटेड और गेजेटेड कर्मियों को LTC का लाभ मिलेगा। कर्मचारियों को अपने परिवार के सदस्यों की संपूर्ण जानकारी देनी पड़ेगी। LTC के कर्मचारियों को जाने वाले स्थान का ब्यौरा भी जमा करवाना होगा। यह ग्रह क्षेत्र में 2020 से 2021 और भारत में 2020 से 2023 तक मान्यता होगी। पारिवारिक सदस्यों की जो परिभाषा तय की गई है कि कितने मेंबर्स वो अपने साथ ले जा सकते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। पारिवारिक सदस्यों में पति पत्नी और 2 अविवाहित बच्चे या गोद लिया हुआ बच्चा जो सरकारी कर्मचारी पर निर्भर है उसको लाभ मिलेगा। इसके अलावा विवाहित बेटी जिसका तलाक हो चुका है अथवा या पति से अलग रह रही है या विधवा बेटी जो सरकारी कर्मियों के आवास पर रह रही है उसको भी लाभ मिलेगा। परिवार के सदस्य के सभी स्रोतों में 9,000 रुपये से अधिक आय नहीं होनी चाहिए। इसमें LTC के लिए एडवांस सुविधा क्या क्या दी गई है देखिए। LTC में जो तय शर्तों के मुताबिक लाभ मिलेगा, इसमें निजी कार, चार्टर्स बस और वैन सहित अन्य निजी ऑपरेटरों का लाभ नहीं दिया जाएगा। LTC के लिए एडवांस और एडजस्टमेंट की सुविधा होगी। अर्जित अवकाश की सुविधा भी दी जाएगी। सरकार की ओर से तय शर्तों के विपरीत धोखाधड़ी के मामले में कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसमें किस किस कर्मचारी को लाभ नहीं मिलेगा वो भी हम आपको बताते हैं। इस योजना का लाभ उन व्यक्तियों को नहीं मिलेगा जो पूर्ण रोजगार में शामिल नहीं है। इसमें कैजुअल, दैनिक वेतन भोगी, कॉन्ट्रैक्ट बेस, सेवानिवृत्ति के बाद दोबारा नियुक्त होने वाले कर्मचारी आदि को नहीं दिया जाएगा। धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंडों के साथ शेयर करें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।